महाराष्ट्र में सियासी समीकरण सही नहीं बैठ रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सियासी पंडित कह रहे हैं। बीते कुछ दिनों की घटनाक्रम की बात करें तो बहुत कुछ बदला है। जहाँ कुछ दिन पहले शरद पवार से मिलने छगन भुजबल उनके आवास पर पहुंचे, जहाँ उनको शरद पवार ने 1.5 घंटे इंतजार करवाया और फिर उनसे मुलाकात हुई। अब कुछ सियासी पंडितों ने ये भी कहा कि छगन अब शरद के छाए में आना चाहते हैं, इसीलिए ये शरद पवार से छगन भुजबल की मुलाकात हुई। उसके कुछ ही दिन बाद शरद पवार की मुलाकात महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से भी हुई। जब मुलाकात की वजह मीडिया ने पूछा तो मुद्दा मराठा आरक्षण पर निकल कर आया। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं हुई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद से भाजपा और संघ परिवार के कुछ नेताओं ने इस खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार गुट के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। फिर दोनों दलों के बीच कुछ दूरियां दिखने लगी, लेकिन बीते 24 घंटे में राजनीति घटनाक्रम में तेजी से बदलाव हुआ है। एक दिन पहले दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई, फिर वह मुंबई पहुंचे और वहां से अजीत पवार के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की मुलाकात के कुछ ही घंटों के भीतर उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी अजित गुट के अध्यक्ष अजीत पवार ने गृह मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ दिल्ली में मुलाकात की। पवार के करीबी सूत्रों ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच बुधवार देर रात बैठक हुई। उन्होंने बताया कि पवार की 28 जुलाई को फिर से यात्रा करने की संभावना है। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और राकांपा अजित गुट हिस्सा है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू होने वाली है। चुनाव इस साल अक्टूबर में होने की संभावना है। इस लोकसभा चुनाव में एनएसपी अजित गुट के 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वह सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। पवार की पत्नी सुनेत्रा जो बारामती सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो भी अपनी सीट मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से अपना चुनाव हार गई। बाद में सुनेत्रा पवार निर्विरोध राज्यसभा सदस्य चुनी गई। अजित पवार जुलाई 2023 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल हुए और उप मुख्यमंत्री बने। हाल के दिनों में भाजपा के कुछ नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के लोकसभा चुनावों के सत्तारूढ़ गठबंधन के खराब प्रदर्शन के लिए अजीत पवार और उनकी पार्टी राकांपा को महायुति में शामिल किए जाने को जिम्मेदार ठहराया है।